फिल्म आदि पुरुष की एक तरफ जमकर कमाई जारी है, दूसरी तरफ फिल्म पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच फिल्म पर हो रहे विवाद को लेकर सरकार की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फैसला लिया है। लेखक और निर्देशक ने भी फिल्म के डायलॉग्स बदलने का आश्वासन दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी को भी लोगों की भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं है। CBFC ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, उनका एक काम है। और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। बता दें कि देश के अलग अलग शहरों से फिल्म आदि पुरुष के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदूवादी संगठन फिल्म का खुलकर विरोध कर रहे हैं। फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठ रही है। दर्शकों और हिंदू संगठनों का आरोप है कि फिल्म में आपत्तिजनक डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि आदि पुरुष 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दरअसल इससे पहले ये रिकॉर्ड साल की शुरुआत में रिलीज हुई पठान के नाम था। अब आदि पुरुष के रिलीज होते ही पठान का ये रिकॉर्ड टूट गया है। जहां पठान ने शुरुआती 3 दिनों में करीब 167 करोड़ की कमाई की थी, वहीं आदि पुरुष ने शुरुआती 3 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। टाइम्स नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।